आप सभी ने कभी ना कभी ऑक्टोपस को तो जरूर देखा होगा, जो 12 पैरों का दिखाई देता है और हमें यह पैली के अंदर चलता फिरता भी दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों कभी ना कभी ऐसा होता है कि ऑक्टोपस मर जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम आपको चलता फिरता ऑक्टोपस दिखा सकते हैं। दोस्तों यह इसलिए होता है क्योंकि इनके पैरों के अंदर एक खास तरह का न्यूरॉन पाया जाता है और यह न्यूरॉन इन्हें चलने फिरने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और यह कभी कभी मरने के बाद भी यह न्यूरॉन काफ़ी समय तक जिंदा रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऑक्टोपस मर जाता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है, तो दोस्तों ऐसी बात गलत है क्योंकि न्यूरॉन के अंदर इसमें ऐसे सिस्टम पाए जाते हैं जहाँ पर केवल न्यूरॉन ही काम करते हैं, इनका संपर्क दिमाग से नहीं होता है। जिस तरह आपने कभी ना कभी देखा होगा कि ऑक्टोपस को मरने के बाद भी अगर हम खाते हैं तो वह कभी ना कभी हमारे गले या फिर मुंह के अंदर चिपक जाता है और यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक भी बन जाता है और इसी के चलते कभी ना कभी इंसान की मौत भी हो ही जाती है और इसीलिए ऑक्टोपस को मरने के बाद भी ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको इफेक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले इफेक्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।